नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इंडियन पॉलिटी की सीरीज में। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हर एक चीज़ इंटरलिंक होती है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके आगे आने वाले जो हम अगली वीडियोज़ में जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंकिंग आपको इस टॉपिक की देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बेसिकली हमें यह पता चलेगा कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है, हमें पता चलेगा कि पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी मनी और फाइनेंशियल बिल कैसे पास होंगे, हमें पता चलेगा कि अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है यानी रिमूव करना है आसान भाषा में, तो उसमें कौन सी मेजोरिटी, कितने लोगों का समर्थन चाहिए, हमें पता चलेगा कि जब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर को हमने रिमूव करना हो तो हमें कितनी मेजोरिटी चाहिए। तो आसान भाषा में ये जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इन सारों में हम जब रिमूवल की बात करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे, वहाँ पर बात आती है मेजोरिटी की। तो उस हिसाब से ये जो टॉपिक है ये सारे आने वाले टॉपिक्स के साथ इंटरलिंक होने वाला है। हम अपने चैनल में इंडियन पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रेसिडेंट को कवर किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या क्वालिफिकेशन होती है, सैलरी, टेन्योर, रेजिडेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, इलेक्शंस, इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके साथ साथ हमारे प्रेजेंट इलेक्शन में जब हम बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तो उसका क्या मतलब होता है, इन सारों को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। आपको इन सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल में जाकर भी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और जीके ट्रिक्स भी मैंने काफ़ी बनाए हैं, तो उन सारों की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप एक बार चाहें तो ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की। देखिए दोस्तों, जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्या। बहुसंख्या या मेजोरिटी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमने पार्लियामेंट में किसी रिजोल्यूशन को, किसी मोशन को या बिल को पास करना हो। जब भी हम किसी मोशन, रिजोल्यूशन या बिल को पास करते हैं तो हमें मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो मेजोरिटी है ये डिपेंड करती है कि किस पर्पस के लिए हमें मेजोरिटी चाहिए। अलग पर्पस के लिए अलग मेजोरिटी होती है, जैसे प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो अलग मेजोरिटी, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है अलग मेजोरिटी, जो कि हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ टाइप्स में देखेंगे। तो क्योंकि अलग पर्पस के लिए अलग मेजोरिटी होती है, इसलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज़ की। देखिए दोस्तों, जब हम टाइप ऑफ मेजोरिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो वहाँ पर कोई भी एक्सप्लिसिट क्लासिफिकेशन मेजोरिटीज़ की नहीं है। नो डाउट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी की बात करता है, लेकिन वहाँ पर टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज नहीं है। तो फिर ये कंसेप्ट कहाँ से आया? देखिए, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ए टू जेड पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा, इस आर्टिकल में इस प्रकार की मेजोरिटी की बात हुई है, इस आर्टिकल में इस मेजोरिटी की बात हुई है। तो उस हिसाब से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे क्लासिफाई करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में ये, इस आर्टिकल में ये मेजोरिटी की बात हो रही है। तो वहां से निकल कर आता है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेजोरिटी की बात है, टाइप्स की बात नहीं है। ए टू जेड अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं सारे आर्टिकल्स को, तब हमें पता चलता है कि इस आर्टिकल में इस मेजोरिटी की बात है, इस आर्टिकल में इस मेजोरिटी की बात है। तो उस हिसाब से इंडियन पॉलिटी में आपको चार प्रकार की मेजोरिटीज देखने को मिलेंगी: एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी फर्दर चार प्रकार की होती है, जो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। देखिए दोस्तों, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। आपने इस पूरी वीडियो में एक चीज ऑब्जर्व करनी है, कहाँ पे टोटल मेंबरशिप यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की, उसकी बात हो रही है, और कहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसकी बात हो रही है। दोनों में क्या फर्क है, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में तब आपको समझ आता जाएगा। तो यहां पे बात हो रही है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की,
पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट के जिस भी हाउस में, लोकसभा, आपको पता है पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जिसकी भी हम बात करेंगे, मतलब कोई भी कहीं पर भी अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत है, वहां पे बात हो रही है टोटल मेंबरशिप की, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ की। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये है लोकसभा। लोकसभा में आप जानते हैं कि 545 मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो इसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हुई? एब्सोल्यूट मेजोरिटी हुई, देखो हम बात कर रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ की, यानी जितनी भी हाउस की स्ट्रेंथ है, हाउस की कितनी स्ट्रेंथ है 545। अब इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि इसमें कोई सीट वैकेंट है, कोई व्यक्ति प्रेजेंट है, कोई व्यक्ति एब्सेंट है। आगे जो हम मेजोरिटीज देखने वाले हैं उसमें हम देखोगे कि कहीं पे वैकेंट सीट्स को डिलीट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, कहीं पर जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लोकसभा में कितना होगा? 50% ऑफ 545, और हमने कहा था मोर देन 50%, तो 50% ऑफ 545 प्लस 1, यानी कि 50% ऑफ 545 प्लस 1, उसके ऊपर जितना भी हो सकता है, इतना तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर जितना हो स्वागत है, लेकिन इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो 50% ऑफ 545 कितना बन जाएगा? 273। तो हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? 273। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा बहुमत का आंकड़ा। जब इलेक्शंस होते हैं तब हम बात करते हैं बहुमत के आंकड़े की, कि बहुमत का आंकड़ा हमें चाहिए, वो बहुमत का आंकड़ा एब्सोल्यूट मेजोरिटी है लोकसभा में 273। तो लोकसभा के चुनावों में जिसके पास 273 से ऊपर सीटें आ जाए, वो आपको पता है कि चुनाव जीत जाती है, उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती है। तो ये होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि चुनावों में क्यों हम बहुमत के आंकड़े की बात करते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। विधानसभा के चुनाव में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी? 50% ऑफ उस विधानसभा में जितनी एमएलए सीट्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी एमएलए सीट्स हैं। आप जानते हैं हर स्टेट में अलग अलग सीट्स होती हैं, अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, तो उस नंबर ऑफ सीट में जितना 50% बनेगा, टोटल मेंबरशिप, टोटल स्ट्रेंथ जो होगी उस विधानसभा उसकी, वो स्टेट की क्या बनेगी इलेक्शंस में? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कहाँ पे यूज होती है? मैंने आपको बताया मेजोरिटी इज यूज ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेंटर और स्टेट्स। तो यही है कि जब 273 से ज्यादा सीटें मिल गई तो पूर्ण बहुमत है, अपनी सरकार बना सकते हैं, नहीं बनी तो फिर क्या बात आती है? फिर बात आती है जो गठजोड़ की जो सरकार बनाई जाती है, जैसे हमने यूपीए देखा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जब हम यूपीए की बात करते हैं तो यूपीए भी जब कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं थी तब जाके फिर यूपीए बनी। अभी यूपीए बनी और फिर अभी यूपीए जो है उसका फॉल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय पहले जो यूपीए के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, चाहे वो लेट मुलायम सिंह यादव हों जो अब इस दुनिया में नहीं रहे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, इन्होंने कई बार यूपीए का और खासकर कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसके ऊपर सवाल उठाया है। तो सवाल यहाँ पर आता है राइज एंड फॉल ऑफ यूपीए, यूपीए बना कैसे और यूपीए के विघटन का, यूपीए के फॉल का क्या कारण है। इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, राइज एंड फॉल ऑफ यूपीए, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और इंडिया में राजनीति किस प्रकार से चलती है उसे समझने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट की, यानी एक ऐसी सरकार जहां पे बहुत ज्यादा पार्टीज मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चला रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स आते हैं, और ये सारे के सारे कंसर्न्स हमें यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 2004 से लेके तो 2014 के बीच में हमें देखने को मिले, जहाँ पे कई बार जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई, कोई कभी आ रहा है कभी सरकार छोड़ के जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो इससे ये जो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट जो बनती है ये काफ़ी वीक सरकार जो है वो बनती है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बात होती है, काम होता है। तो इसे भी मैंने यूपीए की वाली वीडियो में कवर कराया था। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2004 तक आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार बनी, कई बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंटरव्यूज में कहा कि हम चाहते तो बहुत कुछ करना थे लेकिन कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि गठबंधन का धर्म निभाना था। तो
तो ये जो गठबंधन का धर्म है, यानी ये जो आपका जो गठजोड़ की सरकारें बनती हैं, चाहे एनडीए की हो या यूपीए की हो, जहाँ पे किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होती है, वहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे के ऊपर सरकारें चलती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें जो अस्त व्यस्तता है, जो कायोस है, कई बार वो देखने को मिलते हैं। तो ये भी मैंने यूपीए वाली वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, ये थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इस समय आज के प्रिटेक्स में हम बात करते हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, लेकिन एक थर्ड फ्रंट की बात भी करते हैं। तो हम हमारे यहाँ पे क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए मल्टी पार्टी के द्वारा जो सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनाई जाएगी, उसकी कुछ कंसर्न्स भी होते हैं। उसके कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव तो ये होगा कि हर स्टेट के जो व्यक्ति है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो आप कह सकते हो कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैटर तो ये करता है कि सरकार पावरफुल बने कि ना बने। तो वो बनती है नहीं बनती है, मैंने यूपीए में कवर किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात हुई कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जनरल इलेक्शन में हमें देखने को मिलती है, जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं, इधर सेंटर में या फिर स्टेट में। अब हम बात करते हैं अगली मेजोरिटी की, वो है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है 50%, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब सवाल आता है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी किसी भी हाउस की। तो देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है आपकी टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। जब हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं, वो सिर्फ टोटल स्ट्रेंथ को लेता है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ ली जाती है, यानी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी जो हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ले रहे हैं, उससे हम जो वैकेंसीज हैं उसे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे वैकेंसी किस चीज़ से आएगी? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है। लोकसभा में तो एक व्यक्ति चुनकर आया 5 साल के लिए। अब इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें, तो इसमें वैकेंसी या तो डेथ की वजह से होगी कि मान लो कोई एमपी मरी गया तो फिर वैकेंट होगी सीट, या फिर रेजिग्नेशन की वजह से होगी कि किसी ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन जो राज्यसभा है, उसमें डेथ की वजह से भी हो सकती है वैकेंसी, रेजिग्नेशन की वजह से भी हो सकती है, लेकिन टेन्योर पूरा होने की वजह से भी वैकेंसी हो सकती है। क्यों? आप जानते हो कि लोकसभा में तो 5 साल का है, लेकिन राज्यसभा में जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। अगर आपको नहीं पता था तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाली वीडियोस में हम राज्यसभा को विस्तार से कवर करेंगे, वहाँ पर भी हम इस चीज़ को देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो राज्यसभा के 6 साल का टेन्योर होता है, तो हो सकता है कि बीच में किसी का टेन्योर ख़त्म हो जाए, तो फिर वहाँ पर भी वैकेंसी आ जाएगी। तो इस प्रकार की जितनी भी वैकेंसीज होंगी, चाहे वो डेथ से हो, चाहे वो रेजिग्नेशन से हो, या फिर वो राज्यसभा के केस में टेन्योर ख़त्म होने से हो, उन सबको हम जो उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उससे माइनस कर देंगे, वो बनती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब भी बात आती है ऑल द देन मेंबर्स, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या पॉलिटी में तुम्हें लिखा हुआ देखने को मिलेगा ऑल द देन मेंबर्स, तब बात होगी इफेक्टिव मेजोरिटी की, ध्यान में रखिएगा। ऑल द देन मेंबर्स, वहां पे किसकी बात हो रही होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी की, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की। ऑल द देन मेंबर्स मतलब उस समय कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस जो वैकेंसी है उसको जब माइनस कर दिया जाएगा, तब हमारे पास बनेगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%, मोर देन 50% जब आता है किसी भी बिल के लिए, किसी रिजोल्यूशन के लिए, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये है राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पे 45 वैकेंसीज आती हैं, कुछ लोगों की डेथ होगी, कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, कुछ लोगों के टेन्योर समाप्त हो गया, 45 वैकेंसीज हो गई, तो अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? टोटल स्ट्रेंथ यानी 245 माइनस वैकेंसीज 45, तो 245 माइनस 45 टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज कितने बन गई? ये बन गई आपके पास 200। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 200। अब इफेक्टिव मेजोरिटी 50% ऑफ, मोर देन 50% ऑफ 200, यानी 50% ऑफ 200 प्लस 1, ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी हो सकती है, तो ये कितनी आएगी? 101।
तो अगर राज्यसभा में 45 वैकेंसीज हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा की कितनी होगी? 101। उसी हिसाब से अगर आपको कभी भी बोला जाए कि भैया इफेक्टिव मेजोरिटी निकालिए, तो टोटल स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, आपने बस ये देखना है कि आज के समय वैकेंसीज कितनी हैं, बस टोटल स्ट्रेंथ से वैकेंसीज माइनस होगी, उसका 50% प्लस 1, ये बनेगी आपकी मिनिमम इफेक्टिव मेजोरिटी। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज होता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा एज पर आर्टिकल 67B। देखिए आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम वाइस प्रेसिडेंट की अलग वीडियो में इन सब फैक्ट्स को कवर करेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। और दोस्तों हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैं ऑलरेडी ही पॉलिटी को कवर करा चुका हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर चेक करिएगा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी से अगर रिमूव करना हो, राज्यसभा से रिमूव करना हो, तो हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं विधानसभा, उसके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना हो, वहां पर भी इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज किया जाता है। अब आती है थर्ड मेजोरिटी, जो होती है सिंपल मेजोरिटी। अब ध्यान रखिए, सिंपल से नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है मतलब कि मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इस बात को समझिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब हुआ। देखिए अब आप जानते हैं कि हमारे जब लोकसभा लगती है तो कई तो मेंबर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जब लोकसभा लगेगी तो सारे ही एमपी आएंगे या विधानसभा लगेगी तो सारे ही एमएलए प्रेजेंट होंगे, कई एमपी और एमएलए प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये क्रिटिसिज्म भी है। क्यों क्रिटिसिज्म है? क्योंकि जनता ने तुम्हें चुन के भेजा, तुम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें जब हाउस जब बैठेगा तब तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे लोगों की बातें उठानी चाहिए, अपने स्टेट की अपने क्षेत्र की बातें जो हैं, मुद्दे जो हैं वो उठाने चाहिए। तो जब तुम जाओगे नहीं तो मुद्दे कैसे उठाओगे? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हमारी इंडियन पॉलिटी में इस सिस्टम का देखने को मिलता है कि एमपी और एमएलए कई तो हैं जो जा ही नहीं रहे हैं, तो कई एब्सेंट होते हैं। और अगर कोई प्रेजेंट भी है एमपी, तो उसके ऊपर भी कोई दबाव नहीं है कि हमने वोट देना ही है, उसकी मर्जी है। अगर वो वोट देना चाहे तो वो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो वो नहीं देगा। अगर वो बोले कि अगर वो मुंह सड़ा ले कि भैया हम तो वोट नहीं देंगे ना पक्ष में ना विपक्ष में, तो मत दे भाई। तो अब बात यह है कि जब हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करी थी, वहां पे हम सारे लोगों को देख रहे थे, चाहे वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, चाहे वो वोट दे रहा हो या ना दे रहा हो। इवन जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, तो वहां पर तो वैकेंसी जो है उनको भी ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वहां पे हाउस की टोटल स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट कितने हैं एब्सेंट कितने हैं, कितने वोट देना चाहते हैं कितने नहीं देना चाहते हैं, कितनी जो सीट्स हैं वो वेकेंट हैं कितनी नहीं हैं, उसमें तो सारों पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का 50% मोर देन 50% लिया जाएगा। उसी के साथ जब हमने बात करी इफेक्टिव मेजोरिटी की, तो हमने बोला कि जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है माइनस वैकेंसी। अब इस टोटल स्ट्रेंथ में भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति प्रेजेंट है कोई व्यक्ति एब्सेंट है, प्रेजेंट होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बोले कि मैं वोट दूंगा कोई बोले मैं नहीं दूंगा, तो वहां पर भी सिर्फ वेकेंट स्पेस जो सीट्स हैं उन्हीं को डिलीट किया जा रहा है, बाकी सारे के सारों को ऐड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो मैं नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बात होगी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो एब्सेंट हैं कोई बात नहीं, तुम एब्सेंट रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रेजेंट है फिर भी मुंह छुड़ा ले कि भैया हम तो वोट नहीं देंगे ना पक्ष में ना विपक्ष में, तो भाई मत दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। हम बोलेंगे जितने लोग प्रेजेंट हैं जितने आए हैं प्लस उनमें भी जितने वोट देना चाहते हैं, आप जितने हैं आप सारे वोट दो और देखो मेजोरिटी आती है कि नहीं आती है। इनकी अगर मोर देन 50% मेजोरिटी आ जाती है तो वहाँ पे वो बिल वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये होती है सिंपल मेजोरिटी, जहाँ पे हम बात करेंगे मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं
और उसमें भी जो वोट दे रहे हैं उनका जो 50% होगा, मोर देन 50%, वहाँ से हम सिंपल मेजोरिटी यानी जिस भी बिल या रिजोल्यूशन के लिए होगा वो पास हो जाएगा एज पर सिंपल मेजोरिटी। अब ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेजोरिटी है। सबसे ज़्यादा इंडियन पार्लियामेंट में अगर कोई मेजोरिटी यूज होती है तो वो सिंपल मेजोरिटी ही यूज होती है। इसी सिंपल मेजोरिटी को हम फंक्शनल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लो ये लोकसभा है, लोकसभा में आप सब जानते हैं 545 मेंबर्स हैं, मान लीजिए 45 एब्सेंट हैं। हमने कहा ना मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लो 45 तो एब्सेंट हैं, 100 ऐसे हैं जो प्रेजेंट हैं लेकिन उन्होंने एब्सटेन कर लिया अपने आप को, उन्होंने बोल दिया जैसे शादियों में होते हैं ना, फूफड़ कई बार नाराज़ हो जाते हैं है ना कि भाई हम नहीं आएंगे, हमें जो है ये नहीं मिला वो नहीं मिला, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली। तो वैसे ये जो 100 हैं, मान लो ये 100 फूफड़ हैं, ठीक है, इन्होंने बैठे तो हैं, ये नाम के बैठे, इन्होंने बोला हम वोट नहीं देंगे, तो हमारी सरकार ने बोला जी कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कोई बात नहीं, नहीं वोट देना मत दो, एबसेंट रहना एबसेंट रहो, बैठे रहना वोट नहीं देना मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें कंसीडर ही नहीं करेंगे। कितने बच गए? 45 एबसेंट हैं, 100 ने बोला हम वोट नहीं देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 400 मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं। 400 मेंबर्स क्या हैं? ऐसे हैं जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? सिंपल मेजोरिटी होगी 50% ऑफ 400+1 दैट इज 201 है ना। तो एग्जांपल क्या था हमारा, एग्जांपल में हमने बोला 45 एब्सेंट हैं, 100 ने मना कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो 400 बच गए, 50% ऑफ 400+1 201, ये आपके पास क्या आ गई? सिंपल मेजोरिटी इस एग्जांपल के तहत। तो ये होती है सिंपल मेजोरिटी। यूज कहाँ होती है? जैसे मैंने कहा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती है ये पार्लियामेंट के बिजनेस में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा बार ये यूज होती है पार्लियामेंट के बिजनेस में। जब हमारे जो गवर्नमेंट है या जब पार्लियामेंट बैठती है वहाँ पे जब पता ना चले किसी काम के लिए, हमें पता ना चले कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में कानून में स्पेसिफाई ना किया हो कि जी इस चीज़ के लिए कौन सी मेजोरिटी होनी चाहिए, तो सिंपल हम वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगा देते हैं। जब हमें पता ना चले कि अच्छा ये कोई काम हमने करना है या करने जा रहे हैं और हमें पता नहीं कि इसमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो कोई चक्कर नहीं, तुमने क्या कर देना है? सिंपल मेजोरिटी लगा देनी है। तो सिंपल मेजोरिटी लग जाती है। बाकियों में तो बताया गया है कि भैया यहाँ पे ये मेजोरिटी यूज़ होगी, यहाँ पे ये मेजोरिटी। कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पे पता ही नहीं है कौन सी मेजोरिटी यूज़ करें, तो वहाँ पे कौन सी लगा देनी? आसान सीधी सिंपल मेजोरिटी। सबसे ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी कहाँ यूज़ होती है? जैसे अगर हमने ऑर्डिनरी मनी और फाइनेंशियल बिल्स को पास करना हो, फिर अगर हमने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, इन्हें अगर पास करना हो, फिर वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमने रिमूव करना हो, देखो पहले तो राज्यसभा से रिमूव करने की बात थी, लेकिन अगर हमने वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो लोकसभा में एज पर आर्टिकल 67 क्लॉज बी हमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना हो, हमें अगर स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं उसे डिक्लेयर करना हो, ये आती हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने एक अलग वीडियो में अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो कवर नहीं की है, लेकिन मैं ज़रूर इसको कवर करूँगा, एक दो दिन में ही आपको ये वीडियो आ जाएगी जहाँ पे हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हो, बना दिया हो, तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा। चलिए, तो चाहे हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी हो, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेजिडेंट रूल भी कहते हैं वो डिक्लेयर करना हो, सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। अगर हमने लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस, नॉट रिमूवल, रिमूवल के लिए हमने पिछली स्लाइड में देख लिया, इलेक्शन जब कराने होते हैं तब सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है, रिमूवल के लिए नहीं। रिमूवल के लिए हमने देखा था इफेक्टिव मेजोरिटी, रिमूवल होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, इलेक्शन होगा सिंपल मेजोरिटी से। बस यही चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं कवर, ये बहुत से पॉलिटी के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके साथ इंटरलिंक करेगा। इलेक्शन जब होंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के तो हम देखेंगे सिंपल मेजोरिटी, और जब हम रिमूव करेंगे तो देखेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। तो जब हम लोकसभा और राज्यसभा को कवर करेंगे तब मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी है, ये सिंपल मेजोरिटी है, फिर वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए ये कारण है कि मैंने इन सारे टॉपिक्स को कवर कराने से पहले आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कराई, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो जाए। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर
इसके स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करने हो सिंपल मेजोरिटी, रिमूव करने हो इफेक्टिव मेजोरिटी। इसके साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार जरूरत पड़ जाती है अमेंड करने की, तो आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं उनको भी रेटिफाई करना हो अगर स्टेट्स के द्वारा तो वहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उन्हें रेटिफाई करने के लिए। तो अभी हम तक हमने तीन मेजोरिटीज़ देख ली, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी बात करती है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मेजोरिटी बात करती है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब वो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। यहाँ पे वैकेंसी वैकेंसी सब कंसीडर कर ली जा रही है, बंदा प्रेजेंट है, बंदा एब्सेंट है, बंदा वोट दे रहा है नहीं दे रहा है, बंदा वेकेंट है सीट नहीं है, सारे के सारे कंसीडर कर लिए जाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वोट दे रहा है नहीं दे रहा है, सब कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन जो वेकेंट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेकेंट मैंने आपको बता दिया डेथ, रेजिग्नेशन या फिर राज्यसभा के केस में टेन्योर पूरा होने से हो जाएगा। अब हम सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। प्रेजेंट है कोई तो ठीक है, प्रेजेंट होने के बाद भी अगर वोट दे रहा है तो उसी को कंसीडर किया जाएगा। कोई एब्सेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रेजेंट होने के बाद भी कोई वोट नहीं देना चाहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो प्रेजेंट है और जो वोट दे रहा है उसका मोर देन 50% आया, सिंपल मेजोरिटी आ गई। ये थी आपके पास तीन मेजोरिटी। इन तीन मेजोरिटीज़ के अलावा जितनी भी मेजोरिटी होगी वो मेजोरिटी आएगी स्पेशल मेजोरिटी में, यानी मेजोरिटी अदर देन सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो फर्दर चार टाइप्स की होती है, फोर टाइप्स की होती है विद डिफरेंट क्लोजेज डिफरेंट आर्टिकल्स। कौन कौन से चार टाइप हैं? टाइप वन स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, टाइप थ्री स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि 50% स्टेट, जैसे कि हमारे इंडिया में आज के समय 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो 28 स्टेट्स में मोर देन 50% या 50% यानी जैसे 14 स्टेट्स मान लो, 14-15 मतलब 50% स्टेट रेटिफिकेशन, तो वो जो भी रिजोल्यूशन होगा बिल होगा वहाँ पे 50% स्टेट्स जो हैं अपने विधानसभा में अपने स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपल मेजोरिटी के साथ उसे रेटिफाई करें, उसे मंजूरी दें। ये होता टाइप थ्री। कहाँ पे यूज़ होता है ये हम आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे फेडरलिज्म को चेंज करने की भी बात होगी कि कैसे वो किया जा सकता है, क्यों वो इतना आसान नहीं है करना, तो वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये थी टाइप थ्री। टाइप फोर जो मेजोरिटी है वो होती है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61, और ये वाली मेजोरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मेजोरिटी के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जाता है। पूरी एक प्रोसेस होती है वैसे तो इम्पीचमेंट करने की प्रेसिडेंट को, लेकिन उसमें एक स्पेशल मेजोरिटी भी आती है। बाकी इम्पीच कैसे किया जाता है उसको हम अगली ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लेट देख रहे हैं तो एक बार जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से स्पेशल मेजोरिटी चार प्रकार की हुई। कौन से प्रकार की? टाइप वन स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, टाइप थ्री स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी, और टाइप फोर स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं टाइप वन। देखिए स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 requires a majority of 2/3 members present and voting. देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे जितनी भी टाइप्स हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होगी, 2/3 members कॉमन होंगे। 2/3 members चाहिए ही चाहिए किसी भी प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी के लिए। बाकी जो टाइप्स हैं वहाँ पे कंडीशन जो हैं वो वेरी करती जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? कंडीशन जो हैं वो वेरी करेंगे, मेंबर्स 2/3 ही चाहिए चारों में, बस जो कंडीशंस हैं वो वेरी करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कंडीशन क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग।
जब हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे उसके साथ साथ एक मेजोरिटी आएगी जहाँ पे 50% वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा, एक मेजोरिटी वहाँ पर ऐसी भी आएगी जहाँ पे हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशंस बदलेंगी, लेकिन एक चीज़ जो सेम रहने वाली है वो है 2/3 मेंबर्स। तो ये आपने अब जो ये चार टाइप्स आ रहे हैं इसमें ध्यान रखना है कि एक आसान तरीका है स्पेशल मेजोरिटी में चार टाइप्स के लिए कि 2/3 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, बस जो बाकी और कंडीशन है वो वेरी करती जाएगी। तो वो आपने ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन है। जैसे इस केस में टाइप वन यानी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब अगेन वही बात आ गई, अगर तुम एबसेंट हो कोई बात नहीं, प्रेजेंट होने के बाद भी वोट नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, जितने भी प्रेजेंट हैं और जो वोट दे रहे हैं उन सब का मिला के जब हम 2/3 मेजोरिटी लेकर आएंगे तो वहाँ पे बात होगी टाइप वन मेजोरिटी की। तो ये है टाइप वन मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। एग्जांपल के तौर पे राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं, मान लो 150 ही ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं, ठीक है, बाकी जो थे उन्होंने बोला, कईयों ने कई तो एबसेंट हो गए, कईयों ने बोला हम प्रेजेंट हैं लेकिन वो फुफ्फड़ बन गए, उन्होंने जो हम वोट नहीं देंगे। यार देखो बुरा मत मनाना, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही मजाक के तौर पे ताकि आपके दिमाग में वो बस जाए, रिलेट कर पाओ आप, है ना। तो अगर ऐसा भी किसी को अपने फुफ्फड़ से वो ज़्यादा ही प्यार हो तो वो बोले कि भैया ये तो हमारे फुफ्फड़ का मजाक हो गया, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि मतलब है ना, चाहे कैसी किसी चीज़ से रिलेट कर दिया जाए तो फिर दिमाग में बैठ जाती है बात, ऐसा मुझे लगता है। तो मान लीजिए कि बाकी जो हैं वो या तो कई एबसेंट हैं, जो प्रेजेंट हैं वो कईयों ने बोला कि हम वोट नहीं देंगे, तो फिर 150 ही ऐसे हैं जो प्रेजेंट भी हैं और बोल रहे हैं कि हम वोट भी देंगे। तो यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 101 यानी 2/3 मेंबर ऑफ 150, ठीक है ना। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उनका 2/3। तो हमारे एग्जांपल में सिर्फ 150 ही प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, तो उसके स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 इन दिस एग्जांपल इज 101। ये होगी टाइप वन मेजोरिटी। कहाँ पे यूज़ होती है, स्पेशल केस जहाँ पे ये इस प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है एज पर आर्टिकल 249, तो टू पास द राज्यसभा रिजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। अब आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में काम जो है वो डिवाइडेड है, भाई स्टेट जो है वो यहाँ काम करेगी, जो यूनियन है वो यहाँ काम करेगी, और फिर एक कॉन्करेंट आती है जहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट को ज़रूरत पड़े तो वो स्टेट लिस्ट के लिए भी कानून बना सकता है। तो जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के लिए कानून बनाएगा तब वहाँ पे उसको इजाज़त जो लेने पड़ेगी वो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 के तहत होगी। और ये जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है कि पार्लियामेंट क्यों और कब स्टेट लिस्ट में कानून बनाएगी, ये हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अभी तो मैंने सिर्फ प्रेजेंट को कवर किया है, वो भी बचा है थोड़ा इम्पीचमेंट एंड ऑल, उसके बाद धीरे धीरे हम पूरी पॉलिटी कवर करेंगे, उसमें हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैंने ये कवर कर दिया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। आप बोलेंगे यार ये बंदा बार बार एक ही बात बोले जा रहा है, लेकिन यार मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी में चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, तो उस हिसाब से जैसे दिमाग में जो बात आ रही है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो इस प्रकार का जो लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट के लिए, वो वैसे तो वैलिड होगा एक साल के लिए, लेकिन उसको जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। विस्तार से सेंटर स्टेट रिलेशन वाली वीडियो में कवर किया है। अब हम बात करते हैं टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी की। टाइप टू मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अभी याद करो ये क्या आया, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या आया, ये तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई। तो याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ यूज की जाती है। तो इस केस में स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 क्या हुई, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग
यानी टाइप वन, जो हमने क्या देखा, टाइप वन देखा प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो आसान भाषा में टाइप वन प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अभी इस प्रकार के जो टाइप टू मेजोरिटी है, जो इतनी घातक इतनी खतरनाक मेजोरिटी है कि पहले टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दो तिहाई बात हो रही है यहाँ पे मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके साथ 50% ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो ये इतना खतरनाक ये यूज कहाँ होगा। तो ये जो मेजोरिटी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी बिल को, रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, तो इस प्रकार की जो स्पेशल मेजोरिटी है, टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी, वो तब यूज़ होती है जब हमने किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, बिल को पास करना हो जो हमारे फेडरलिज्म को अफेक्ट ना करे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फेडरलिज्म को ये वाला बिल अफेक्ट नहीं कर रहा है। टाइप थ्री में हम देखेंगे कि वो फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा होगा, टाइप टू फेडरलिज्म को अफेक्ट नहीं करता है। तो वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो फेडरलिज्म को अफेक्ट ना करे, उसे पास करने के लिए हमें टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 जरूरत पड़ती है। टाइप टू दैट इज टाइप वन प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो एक तो हो गया कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जहां पे हमारा फेडरलिज्म अफेक्ट ना हो रहा हो, उसे पास करना हो, तब हमें टाइप टू की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना हो, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जज को रिमूव करने के लिए देख लो कितनी ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनको रिमूव करना आसान नहीं होता। आपको टू थर्ड मेंबर्स चाहिए, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होगी टाइप वन, है ना, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना आसान नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी को लाना एक उतना आसान नहीं है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज अगर कोई बड़ा ही मान लो अगर गलत काम में उलझ जाए, या जो है ना ऐसे बड़े कोई करप्शन केस निकल कर आए, या ऐसा कोई अलग सा केस निकल के आ जाए, तो तभी रिमूव हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग पार्टीज हैं वो सारे समर्थन करेंगे, अदरवाइज इतना ईजी नहीं है। तो इसको हम जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंडिविजुअली कवर करेंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ आने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आता है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन और कैग, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनको भी अगर रिमूव करना हो तो हमें इसी टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हमारे पास, अगर हमने नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो हमने देखा जो स्टेट इमरजेंसी है यानी प्रेजिडेंट रूल, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो तो सीधा के सीधा सिंपल मेजोरिटी से ही लग जाता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी तो हमें स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू की ज़रूरत पड़ेगी एज पर आर्टिकल 368। इसके साथ साथ अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर को अपने यहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है एज पर आर्टिकल 169, जिसको अगेन हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो बनानी है, क्रिएट करनी है, या एबॉलिश करनी है, ख़त्म करनी है, तो उसके लिए भी यही टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं टाइप थ्री स्पेशल मेजोरिटी की। टाइप थ्री स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 यानी स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। आसान भाषा में टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे, तो टू थर्ड मेंबर दो तिहाई जो लोग हैं मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो यहाँ पे आसान भाषा में अब जितने भी स्टेट्स हों, जैसे कई हो सकता है आने वाले से समय में और स्टेट्स बन जाएं, हो सकता है कुछ स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आज से 10-15 साल के बाद क्या होगा हमें क्या पता। तो जितनी भी स्टेट होंगी उनका 50%,
मान लो आज से आप बात करो 15 साल के बाद, मान लो जी 50 ही स्टेट्स होगी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होगा तो नहीं शायद, लेकिन एग्जांपल के तौर पे, तो 50% स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो उसको सिंपल मेजोरिटी, यानी अगर कोई ऐसा बिल पास करना है टाइप 3 के अंडर, तो अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कल को 50 ही स्टेट्स हो जाती हैं 10-15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद, तो भी वहाँ पर भी यही रूल रहेगा कि 50% स्टेट लेजिस्लेचर यानी 25 स्टेट्स हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो रिजोल्यूशन पास होगा, अकेला पार्लियामेंट उसको पास नहीं कर सकता। इसका क्लासिक एग्जांपल आपके पास है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब आसान भाषा में क्या बात है इसकी, इसका मैं आपको पृष्ठभूमि जरा बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जब हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम सिस्टम में कहा जाता है कि भैया जज जो है वो जज को खुद ही नियुक्त कर रहा है, मतलब कहा के जाता है ऐसे ही होता है। अब कॉलेजियम सिस्टम जो है इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे पारदर्शिता आनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि भाई कौन से मेरिट्स पे किसी किसी व्यक्ति को जज बनाया गया। इसलिए हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि NJAC होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की उसमें थोड़ी सी क्या आए, पारदर्शिता आए, समझ रहे हो। ये चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में भी कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको तो समझाना ज़रूरी है। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानता है। इसलिए नहीं मानता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अंडर नहीं आ सकता, जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में नहीं आ सकती। तो ये जो तनातनी है ये जुडिशरी के बीच में और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में चली रहती है। तो जब NJAC लाना था, ये पहले लाया गया था 2015-16 में शायद इसको लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वैसे आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कब आया कब नहीं आया, मतलब ये एक हम इश्यूज ऑफ जुडिशरी के केस में देखते हैं कि भैया इस प्रकार की भी एक चीज़ है कि जुडिशरी में जिसको हम जो हमें माना जाता है कि भाई ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट की प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन करने के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पे भी इसका भी क्रिटिसिज्म है, और कोलिजियम सिस्टम इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो ये इशूज़ में आता है, जब हम जुडिशरी के इशूज़ को कवर करेंगे तब भी हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जब पहले भी NJAC लाया गया था तो वहाँ पे 15 स्टेट लेजिस्लेचर्स की ज़रूरत थी आउट ऑफ 29 स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर भी उस समय स्टेट था, 2015-16 में लाया गया था। उस समय हमारे जो अरुण जेटली जी थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो हमारे लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये चीज़ थी, तो ये एग्जाम्पल है कि NJAC में भी हमें देखने को मिला कि पार्लियामेंट सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं लेकर आई, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी मदद ली गई। तो ऐसे भी कई कानून होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट को स्टेट की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे टाइप 3 दैट इज आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जहाँ पर आपको 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके साथ साथ प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे ये कुछ और ख़तरनाक बन गई, टाइप 2 से भी ज़्यादा ख़तरनाक बन गई, मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो मेजोरिटी है ये तब यूज़ होगी जब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करना हो जहां पर हमारा फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो टाइप 2 है वहां पे हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए उसको यूज करते हैं जहां पे फेडरलिज्म अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन टाइप 3 को वहां यूज करेंगे जहां फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा है। इसका क्लासिक एग्जांपल एक तो हमने देखा है NJAC का, जैसे पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, यहां पे इस चीज का यूज किया जाता है। तो ये है हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब आती है टाइप 4। टाइप 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी बनता है। ये स्पेशल मेजोरिटी है एज पर आर्टिकल 61, और ये जो मेजोरिटी है यहाँ पे बात होती है 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें ध्यान रखना, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पे एज पर आर्टिकल 61 जो हमें स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे
टू थर्ड मेंबर्स तो हैं ही हैं जो सारी स्पेशल मेजोरिटीज़ में हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, टाइप वन में कंडीशन थी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पे टाइप फोर में कंडीशन है टोटल स्ट्रेंथ, यानी अगर कोई अब्सेंट है उसे भी कंसीडर किया जाएगा, कोई बोले मैं वोट नहीं दूंगा उसको भी कंसीडर किया जाएगा, कोई सीटें वेकेंट हैं तो वो सीट्स भी कंसीडर की जाएंगी। बात यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की होगी जो उस हाउस की स्ट्रेंथ है। ये है स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61। तो इस हिसाब से लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी कितनी है एज पर आर्टिकल 61, 364, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ तो चेंज बढ़ेगी घटेगी नहीं, उतनी रहेगी तो स्पेशल मेजॉरिटी भी उतनी रहेगी। तो लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी कितनी है एज पर आर्टिकल 61, 364, राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी कितनी है एज पर आर्टिकल 61, 164, 364, 164। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइप फोर मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी यूज कहाँ होती है एज पर आर्टिकल 61। अगर आपने प्रेसिडेंट को पढ़ा हो तो आपको पता है 61 आर्टिकल 60 बात करता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन टेन्योर इलेक्शन ये जो मैंने कवर कराया है वीडियो उसमें भी मैंने आपको बताया था, इसको याद रखने का ट्रिक है। स की आवाज़ आ रही है, स से 60 और स से आपके पास ओथ, ओथ को जो हिंदी में शपथ बोलते हैं तो फिर ये शपथ, तो ये ट्रिक था आर्टिकल 60, 60 और शपथ। इस प्रकार के और काफ़ी जीके ट्रिक्स आपको मिलेंगे, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स में, वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रिक्स मिल जाएंगे। और इंडियन पॉलिटी के वीडियो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्शन वगैरह वो सब मैंने कवर प्रेसिडेंट के ऑलरेडी कर दिए हैं। लेकिन 60 बात करेगा ओथ की, शपथ 60, 61 बात करेगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट का आसान भाषा में मतलब होता है रिमूव, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट रिमूव कैसे होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में यूज होती है टाइप फोर मेजोरिटी। लेकिन इम्पीचमेंट एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगी, जब भी कोई प्रेसिडेंट होगा या फिर किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर ये लगेगी तो वो इंटरेस्टिंग उसके लिए नहीं होगी, लेकिन पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसे और इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी के बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इन सारों को एक एक करके धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। मैंने कोशिश करी है एनिमेशन और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको हर मेजॉरिटी को समझाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हार्डवर्क और एफर्ट को अप्रिशिएट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।